नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा के दौरान आपने मुझे मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा होगा। मैं राजस्थान में ज़्यादा था और राजस्थान का चुनाव सबसे ज़्यादा दिलचस्प बताया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ की बाजी बागियों के हाथ में हो सकती है। तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ ये बात करने आया हूँ कि राजस्थान में कौन सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बागी निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। एक मैंने मोटा मोटी अपनी अपनी यात्रा से, अपने अध्ययन से एक लिस्ट बनाई है, जिसमें मैं बारी बारी से सब सीट का नाम बताऊंगा और जो मेरे से छूट जाएगा वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। दिलचस्प ये है कि जो राजस्थान के जानकार हैं वो कहते हैं कि चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे मैडम वसुंधरा हो, दोनों चाहती हैं कि गुरु जो नतीजा आए वो 90-95 के आसपास अटक जाए, ताकि फिर हम अपनी चलाएं और अपनी चलेगी तो अपने पास मुख्यमंत्री की कुर्सी भी रहेगी। तो पिछली बार अशोक गहलोत ने जिस गेम से सरकार बनाई, बचाई और मुख्यमंत्री भी बने, उसी गेम में इस बार वसुंधरा राजे भी हैं, ऐसा जानकार बताते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सीट है जहां पे निर्दलीय जीत सकते हैं। लोग कहें 18 निर्दलीय जीतेंगे, 20 निर्दलीय जीतेंगे, छोटी पार्टियों का बड़ा रोल होगा अगर फंस गया तो। अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आता तो वाकई निर्दलीयों का रोल होने जा रहा है। लेकिन निर्दलीय हैं किसके, कौन किसके जीत रहा है, कौन बागी जीतने की स्थिति में है, तो मैं बारी बारी से इस लिस्ट पे आ जाता हूँ। पहली सीट में बात कर लेता हूँ जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, वो है शिव विधानसभा बाड़मेर की। वहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अमीन खान, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं स्वरूप सिंह खारा, और उनके अलावा 3 बागी निर्दलीय हैं, 2 बड़ी मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। एक का नाम, जिसका मैंने इंटरव्यू भी किया था, रविंद्र सिंह भाटी, जो बीजेपी के बागी हैं, दूसरे फतेह खान, जो कांग्रेस के बागी हैं। अब जानकार बता रहे हैं कि इन्हीं 2 बागियों में आपस में मजबूत लड़ाई है। एक झालम सिंह है आरएलपी से, वो किसका कितना वोट काटते हैं ये देखने वाली बात होगी। वो भी एक तरीके से बीजेपी के बागी हैं, क्योंकि पहले बीजेपी से वो चुनाव जीत चुके हैं। तो अब ये एक सीट है जहां पे निर्दलीय के जीतने की गुंजाइश है, नंबर 1 नोट कर लीजिएगा। दूसरी सीट है चित्तौड़गढ़ की, ये भी बहुत चर्चित सीट है। यहाँ पर बीजेपी ने विद्याधर नगर के विधायक रहे नरपत राजवी, जो भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद हैं, उनको लड़ने भेजा, और यहाँ से जो सिटिंग एमएलए थे चंद्रभान सिंह आख्या, वो बागी हो गए। बड़े फोन गए दिल्ली से, जयपुर से, झालावाड़ से, तमाम जगहों से फोन आए, लेकिन माने नहीं और कुकर लेकर के कूद पड़े मैदान में। तो इनका है कि ये जो है बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जीत सकते हैं। ये 2 सीटें बहुत चर्चा में हैं और इसकी बात लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो दर्जनों सीटें हैं उसकी बात मैं आज आपके सामने करने आया हूँ कि इन सीटों पर भी निर्दलीय जीत सकते हैं या निर्दलीय हराने की स्थिति में है अपनी पार्टी को। अब जैसे रविंद्र सिंह हो तो ये बीजेपी के बागी हैं, चंद्रमान सिंह आख्या बीजेपी के बागी। अब आ जाते हैं शाहपुरा, भीलवाड़ा की एक सीट है शाहपुरा, जहां से कैलाश चंद्र मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं, ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, टोंक से, जालौर से भी आई थिंक जीते थे, और पिछली बार 2018 में जब बीजेपी चुनाव हार गई उस वक्त भी जो सबसे बड़ी जीत अगर किसी की हुई तो कैलाश चंद्र मेघवाल की हुई थी। 74,500 से ज़्यादा वोटों से इन्होंने चुनाव जीता था। तो इनकी स्थिति आज भी मजबूत बताई जा रही है। इनकी उम्र 89 साल है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बागी होकर खड़े हो गए, लेकिन इनका आप समझिए कि 74,000 की जीत अगर राजस्थान में मिल रही है तो अपना कुछ जनाधार होगा, और उसी जनाधार के बूते ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक सीट शाहपुरा पर भी निर्दलीय का खेल है भीलवाड़ा की। एक और शाहपुरा है जयपुर की, वहां पर भी निर्दलीय का खेल है, क्योंकि पिछली बार ये विधानसभा निर्दलीय ने ही जीती थी, आलोक बेनीवाल। लड़ाई जो है इस बार भी आलोक बेनीवाल और कांग्रेस के मनीष यादव के बीच बताई जा रही। उपेन यादव बीजेपी के जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, युवाओं की लड़ाई लड़ते थे, वो अचानक से उनकी पैराशूट एंट्री होती बीजेपी में और शाहपुरा में उन्हें उतार दिया गया। लोग स्थानीय जानकार बता रहे हैं कि उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन खैर देखने वाली दिलचस्प स्थिति होगी। 3 लोगों की लड़ाई है, बीजेपी का अपना काडर वोट होता है तो वो कितना फायदा पहुंचाता है, लेकिन यहाँ पे आलोक बेनीवाल इस बार भी मजबूत स्थिति या मजबूत लड़ाई में दिखाई दिए। तो ये एक और सीट है जहाँ से एक बागी जीत सकता है। अगली सीट है सांचौर। अच्छा, दिलचस्प क्या है कि अब बागियों को फोन आने शुरू हो गए हैं। मेरी भी कुछ बागियों से बात हुई है, मैं कैमरे पर किसी का नाम नहीं लूंगा। आप कहेंगे कहाँ के बागी से बात हुई, तो मैं कहूँगा राजस्थान के किसी इलाके के बागी से बात हुई है, और 1-2 नहीं, 3-4-5 लोगों से बात हुई जो बगावत करके अपनी पार्टी के इतर जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वो चाहे हनुमानगढ़ का इलाका हो, चाहे गंगानगर का इलाका हो, और भी तमाम इलाके जो भी हैं।
तो एक सीट है सांचोर, जालोर जिले की सीट है। यहाँ से मोदी जी ने अपने सांसद को जो है भेजा है। सांसद का नाम देवजी पटेल, देवजी पटेल यहाँ से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बागी कौन है? बागी है जीवाराम। जीवाराम 2008 में और 2003 में विधायक रह चुके हैं, 2003 में बीजेपी से और 2008 में बागी निर्दलीय चुनाव जीता था उन्होंने। पिछले दो बार से ये सीट कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई जीत रहे हैं, मिनिस्टर भी अशोक गहलोत सरकार में रहे। अब तीनों की लड़ाई है, अब तीनों में कौन जीतता है? जीवा राम जी को तो हमने देखा वीडियोस में, मैडम का फ़ोन गया और मैडम से फ़ोन पे आश्वस्त दिख रहे हैं कि मैं जयपुर आऊँगा और सर्टिफिकेट लेकर आऊँगा, यानी जीत का सर्टिफिकेट लेकर आऊँगा। तो एक सीट ये हो गई जहाँ पे बागी जीत सकता है या जीतने की स्थिति में है, जीवा राम सांचोर। एक सीट है अजमेर ज़िले की किशनगढ़। किशनगढ़ में भी लड़ाई त्रिकोणी है, भागीरथ चौधरी, यहाँ पे भी मोदी जी ने अपने सांसद को भेजा है। प्रधानमंत्री जो सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं, ये भी एक सीट है जो सांसद वाली है, अजमेर ज़िले की किशनगढ़। यहाँ से पिछली बार सुरेश टाक विधायक रहे, मजबूत नेता माने जाते हैं, अशोक गहलोत के समर्थक हैं और इस बार विकास चौधरी बीजेपी से बागी हो गए तो उन्हें कांग्रेस ने चुनाव लड़वा दिया। अब की बार फिर से सुरेश टाक की स्थिति ठीक बताई जा रही है। तो विकास चौधरी, भागीरथ चौधरी और सुरेश टाक तीनों में से कोई जीत सकता है। ये एक सीट है जहां पे निर्दलीय असर डाल सकता है। भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद है तो उनकी लड़ाई अपने में मजबूत है। विकास चौधरी बागी होकर आए हैं तो उनका काडर कितना मूव किया और कांग्रेस का काडर उन्हें कितना सपोर्ट करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सुरेश टाक निर्दलीय जीते थे तो इस बार भी उनका निर्दलीय दावा मजबूत है। अब आ जाते हैं गंगानगर, थोड़ा ऊपर चलते हैं पंजाब की तरफ, पंजाब बॉर्डर की तरफ। यहाँ से अशोक चांडक हैं जो बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़ा था बागी होकर के ही और गंगानगर सीट पे निर्दलीय ही लगातार जीतते आ रहे हैं। अशोक चांडक कांग्रेस के बागी हैं, यहाँ से उनकी पत्नी करुणा चांडक जो है वो चेयरमैन भी हैं। अंकुर मिगलानी जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो गंगानगर की सीट पे भी आप नज़र रखिएगा, ये सीट भी किसी निर्दलीय, यहाँ पे भी अगर निर्दलीय जीत जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, अशोक चांडक की लड़ाई मजबूत है। अगली सीट पे आए तो गंगानगर हनुमानगढ़ जो इलाका है वहाँ पे शादुल शहर की एक सीट है। वहाँ पर शादुल शहर में ओम बिश्नोई हैं जो कि गुरदीप बराड़ जो बीजेपी से लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस से हैं जगदीश जांगीर, इन तीनों की लड़ाई है। ओम बिश्नोई कांग्रेस के बागी हैं, इनका भी चुनाव मजबूत माना जा रहा है। तो ये अभी आप दो तीन नाम सुने होंगे बागियों के, ये नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि इन जगहों पे निर्दलीयों की स्थिति मजबूत है, लड़ाई अच्छी है। तो ओम बिश्नोई सादुल शहर सीट पे चुनाव अगर जीत जाएं तो आश्चर्य मत कीजिएगा, लड़ाई त्रिकोणी है। यहाँ पे एक सीट है लूणकरणसर बीकानेर ज़िले की। इस सीट पर भी बागियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित गोदारा बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, भागीरथ मुन कांग्रेस से हैं, वीरेंद्र बेनीवाल कांग्रेस के बागी हैं और जो बीजेपी के बागी हैं वो प्रभुदयाल सारस्वत हैं। प्रभुदयाल सारस्वत, अभी आप देखेंगे तीन जाट वर्सेज नॉन जाट की लड़ाई है। इस सीट में प्रभुदयाल सारस्वत की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। वीरेंद्र बेनीवाल भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन चारों की लड़ाई में कौन जीतेगा? राजस्थान में आप समझ लीजिए करीब करीब 60 ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और करीब 10-11 ऐसी सीटें जहां चतुष्कोणीय मुकाबला है। जो अलवर दौसा ये बेल्ट हो गया, यहां पर जो बीएसपी है उसका प्रभाव है। एक आध सीट पिछली बार आरएलडी ने जीती थी वो जाट बेल्ट में। नीचे आप जाएंगे तो बीटीपी बीएपी का प्रभाव है, कुछ सीटों पर सीपीएम लड़ती है चुनाव। तो ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन इनके अलावा जो निर्दलीय लड़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो लूणकरणसर एक सीट है उस पर भी निर्दलीय का गेम हो सकता है। उदयपुर वाटी बहुचर्चित सीट, यहाँ से राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी वाले, जिन्होंने कहा कि डोकरे का अलाइनमेंट हिल गया है, ये शांति धारीवाल के लिए उन्होंने कहा था जब वो विवाद हुआ था। गहलोत सरकार में मंत्री थे, बागी होकर के आए और गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लाल डायरी निकाली, बोला इसके पन्ने पढ़ दूंगा भूचाल आ जाएगा। बीएसपी से पिछली बार जीते थे, फिर अशोक गहलोत के समर्थक हो गए, कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया अपनी सरकार में, फिर जो छोड़ के चले गए। और वो कहते हैं जब दरी बिछाने का समय आता है तो मैं बहन जी के पास चला जाता हूँ, मंत्री बनने का समय आता है तो मैं पार्टी की तरफ आ जाता हूँ। वो चुनाव लड़ रहे हैं उदयपुर वाटी से। इस बार उनकी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल बताई जा रही है, लेकिन वो पहले भी अपने दम पर चुनाव जीतते रहे, इस बार शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो देखने वाली बात होगी। इस सीट पर भी एक निर्दलीय का दावा मजबूत है। एक सीट है अलवर ज़िले की बांसूर सीट, यहाँ से शकुंतला रावत
चुनाव लड़ रही हैं पार्टी से। यहाँ पे डॉक्टर रोहिताश शर्मा हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, उनका चुनाव मजबूत है। शकुंतला रावत कांग्रेस सरकार में मंत्री थी तो उनके खिलाफ रोहिताश शर्मा और देवी सिंह शेखावत चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। अब यहाँ पे डॉक्टर रोहिताश शर्मा की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, या इस स्थिति में बताई जा रही है कि ये जीत हार डिसाइड कर सकते हैं, या जीत भी जाएं तो आश्चर्य मत कीजिएगा भैया, ऐसा लोगों ने कहा। एक सीट है रामगढ़। रामगढ़ में जो पिछली बार जाहिदा खान ने जो सीट जीती थी कांग्रेस की तरफ से, इस बार जुबैर खान चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर। सुखवंत सिंह जो हैं वो बागी हैं और उनका भी मुकाबला मजबूत ही। अलवर ज़िले की सीट है, यहाँ पे ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे, वही ज्ञानदेव आहूजा जो जेएनयू में कॉन्डोम गिन रहे थे, उनके भतीजे जय आहूजा को टिकट दिया है बीजेपी ने। जुबैर खान कांग्रेस से लड़ रहे हैं और सुखवंत सिंह जो हैं वो बागी हैं, उनका भी चुनाव मजबूत बताया जा रहा है। तो रामगढ़ सीट पर भी नज़र रखिएगा। एक सीट आप फिर एक बार ऊपर की तरफ चलते हैं तो हनुमानगढ़ में एक सीट है, वो हनुमानगढ़ ही उसका नाम है, ज़िले की जो शहर की सीट है हनुमानगढ़, वहाँ से गणेश बंसल जो हैं वो जो है वो बागी चुनाव लड़ रहे हैं, नगर परिषद के सभापति हैं और उनके खिलाफ अमित चौधरी बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से विजय चौधरी हैं, विनोद चौधरी, माफ़ कीजिएगा अगर किसी का नाम गलत पड़ जाऊँ तो उस पर दिल पर मत लीजिएगा, कई बार होता है, हम लोग भी इंसान हैं। तो गणेश बंसल जो हैं वो, गणेश राज बंसल, ये कांग्रेस के बागी हैं, हनुमानगढ़ से लड़ रहे हैं चुनाव, इनका चुनाव काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है। तो एक और सीट जो है ये यहाँ पे निर्दलीय मजबूत स्थिति में है। एक सीट है सांगरिया, ये भी उधर उसी इलाके की सीट है। सांगरिया में अभिमन्यु पूनिया जो सचिन पायलट के काफ़ी करीबी बताए गए, NSUI से उन्हें टिकट दिया गया और बताया गया कि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ गुरदीप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के। लेकिन इन कि दोनों की लड़ाई के बीच गुलाब सिंवर, ये महिला प्रत्याशी हैं, इनका चुनाव भी काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है, ये भी अच्छी दमदारी से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर निर्दलीय जीत सकते हैं। मैं तकरीबन मैं अपनी लिस्ट में देख रहा हूं तो करीब करीब आपको 15-16 नाम गिनाए, बाकी छोटी छोटी जो पार्टियाँ हैं उनका अपना स्टेक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाके में BTP बाप दोफाड़ हुआ है, अब क्या होता है उसमें क्या देखने मिले, पिछली बार दो तीन सीटें जीती थी, इस बार वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। BSP पिछली बार कई सीटें जीती, खैर वो कांग्रेस में सब आ गए थे तो वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये अपना गेम है। जैसे अब जोटवाड़ा की सीट है, वहाँ से आशु सिंह सुरपुरा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के बागी हैं, राजवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक चौधरी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी NSUI के कोटे से टिकट मिला है। तो अब आशु सिंह सुरपुरा क्या राजवर्धन सिंह का गेम खराब कर देंगे, क्या वो ज़्यादा वोट काट लेंगे, उस सीट का अलग फैक्टर है। वहाँ पे राजपाल शेखावत चुनाव लड़ते थे, वसुंधरा कोटे के नेता थे, मजबूत नेता माने जाते थे, पिछली बार उन्हें गुलाब चंद कटारिया ने, माफ़ कीजिएगा उनका नाम नहीं आ रहा, वो भी कटारिया ही हैं, मैं एक सेकेंड देख करके बता देता हूँ कौन सी सीट के मैंने बताया, जोटवाड़ा, हाँ जोटवाड़ा में लालचंद कटारिया, गुलाबचंद कटारिया तो माननीय हो गए, बीजेपी के विधायक थे। तो लालचंद कटारिया का टिकट कट गया, बीजेपी कांग्रेस ने काट दिया, और राजपाल शेखावत जो है बीजेपी के थे उनका भी टिकट कट गया। ऐसा कहा गया कि लालचंद कटारिया ने खुद ही चुनाव नहीं लड़ा। तो जो पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी थे दोनों मैदान में नहीं हैं और दोनों जो है एक दूसरे का गेम लगाने में लगे हैं। अपनी अपनी पार्टी में ही ऐसा बताया गया कि गुलाब चंद कटारिया, जो लालचंद कटारिया की पूरी टीम अभिषेक चौधरी के साथ एक्टिव नहीं रही, राजपाल शेखावत की पूरी टीम जो है वो राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ एक्टिव नहीं रही। तो अब दिलचस्प है, बड़ा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर ऐसा होता है कि चुनाव फंस जाता है तो ये जो मैंने नाम आपको बताए ये नाम याद रखिएगा। चुनाव नतीजों में बहुत थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, मैंने कहा कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि अगर नतीजे आए तो क्या पता आप लोगों को लगे कि हाँ ललन टॉप ने जानकारी ये दी थी और वो जानकारी सही हो गई या गलत हो गई, जो भी रहेगा आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन ये सीटें हैं जहाँ संभावना है, और चुनाव तो संभावनाओं का खेल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा जल्द पता चल जाएगा। लेकिन निर्दलियों का खेल अगर अहम हुआ तो ये नाम ये सीटें अहम रोल निभाने जा रही है। देखते रहिए दी ललन टॉप, मेरा नाम अभिनव पांडे है, शुक्रिया।